गाइस, आई एम दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था डाइकस्ट्रा एल्गोरिथम, दैट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू नोड्स। ये जो टॉपिक है ना, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्लेसमेंट प्रिपरेशन एंड गेट के परस्पेक्टिव से एंड आपके कोर्स करिकुलम के परस्पेक्टिव से भी। मतलब डेटा स्ट्रक्चर का एक मतलब कोर टॉपिक है ये, तो इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत लगती है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन में, पूरी कोशिश करूंगी कि आपको क्या आंसर कर सकूं। आज हम लोग देखेंगे दूसरा एल्गोरिथम, दैट इज फ्लॉयड वॉशर एल्गोरिथम। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। देखो, इससे पहले हमने पढ़ा था डाइकस्ट्रा एल्गोरिथम, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, फ्लॉयड वॉशर एल्गोरिथम। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डाइकस्ट्रा जो था वो था सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, जबकि फ्लॉयड वॉशर हमारा ऑल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। ठीक है, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू एल्गोरिथम। तो सिंगल सोर्स क्या था उसको पढ़ने के लिए आपको डाइकस्ट्रा देखना पड़ेगा, बट मैं यहाँ पे आपको ऑल सोर्स क्या होता है उसका एक एग्जांपल आपको दे देती हूँ। मान लीजिए कि ये हो गया हमारा एक ग्राफ। तो देखो, ऑल पे शॉर्टेस्ट पाथ क्या कहता है कि आपको वन से, नोड वन से टू के लिए शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, वन से थ्री के लिए शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, टू से वन के लिए, टू से थ्री के लिए, नोट थ्री से नोट वन के लिए एंड नोट थ्री से नोट टू के लिए शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। तो ये होता है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। मतलब कि जितने भी पेयर पॉसिबल हैं किसी भी ग्राफ में जो नोड्स गिवन है उनसे जितने भी पेयर पॉसिबल हैं उनके बीच में हमें क्या निकालने हैं, शॉर्टेस्ट पाथ निकालने हैं। तो इसके लिए देखो क्या एल्गोरिथम क्या कहता है। एल्गोरिथम मैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल से पहले बताऊंगी, बट आपको बताती हूँ कि फ्लॉयड वॉशर एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। तो यहां पर हम लोग मैट्रिक्स बनाकर चलेंगे। मैट्रिक्स कैसे बनेगी, किन के बीच में बनेगी? मैट्रिक्स बनेगी वर्टेक्सेस के बीच में। तो देखो, वर्टेक्स कौन कौन सी है? वन टू थ्री, थ्री वर्टेक्स हैं। तो यहां पर हम लोग इस मैट्रिक्स में इन्हीं वर्टेक्स के बीच में वैल्यूज को रखेंगे। तो देखो, नोड इसका मतलब क्या है, इसे कैसे पढ़ा जाएगा? नोड वन से नोड वन तक जाने के लिए कौन सा पाथ है, डायरेक्ट पाथ कौन सा एग्जिस्ट करता है, उसकी वैल्यू हमें यहां पर लिखनी है। तो देखो, नोड वन से वन पे जाने के लिए हमारे पास ये वाला पाथ है टू, तो यहां पर हम लिख देंगे टू, जिसका वेट कितना था, टू था। नोड वन से नोड टू पर जाने के लिए देखिए कौन सा पाथ है, नोड वन से नोड टू पर जाने के लिए ये वाला पाथ है, उसका वेट कितना है, एट, यहां पे लिखा हमने एट। नोड वन से नोड थ्री पर जाने के लिए देखिए कौन सा पाथ है, दिस वन, जिसका वेट कितना है, फाइव, तो हमने लिखा यहां पर फाइव। नेक्स्ट आते हैं, अब हम देखेंगे नोड टू से नोड वन पर हमें जाना है, नोड टू से नोड वन पे जाने के लिए कितना पाथ है, वेट है थ्री। टू से टू पर जाने के लिए कोई भी पाथ नहीं है, तो इसको हम रखेंगे यहाँ पर जीरो, क्योंकि देखो भाई, आप मुरादाबाद में हो, मतलब मैं मुरादाबाद में हूं, तो मुरादाबाद से मुरादाबाद में पहुंचने के लिए जीरो वेट रहेगा, या फिर आप कह सकते हो जीरो डिस्टेंस रहेगा। नोड टू से नोड थ्री पर जाने के लिए क्या होगा, टू से थ्री पर जाने के लिए कोई भी वेट नहीं है, कोई भी एज नहीं है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे, कंसिडर करके चलेंगे इन्फिनिटी, कि भाई कोई भी पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसलिए उसको हमने कंसिडर किया इन्फिनिटी। तो आपने देखा, इनको हम कंसिडर कर रहे हैं सोर्स, और ये जो सब हमने लिखे हैं इनको हम कंसिडर करके चल रहे हैं एज अ डेस्टिनेशन। तो थ्री से वन पे जाने के लिए देखिए क्या वेट है, थ्री से वन पे जाने के लिए कोई भी नहीं है पाथ, तो इन्फिनिटी। थ्री से टू पर जाने के लिए ये है, इसका वेट है टू, एंड थ्री से थ्री पर जाने के लिए वेट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स निकल के आई है, इसको हम लोग नाम देते हैं डी जीरो। इसके ऊपर मैंने बनाया है जीरो, बनाया है जीरो का मतलब क्या है कि अभी हमने कोई भी नोड एज एन इंटरमीडिएट नोड यूज नहीं किया है। अब एज एन इंटरमीडिएट नोड का क्या मीनिंग है वो हम अभी आगे देखेंगे। देखो, अब डी जीरो हमारे पास निकल के आ गया। देखो, एट द एंड हमारे पास पर्पस क्या होगा, पर्पस हमारे पास ये है कि इन सभी नोड्स के बीच में हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास ऐसे ही हम मैट्रिक्स बनाते जाएंगे। कितनी मैट्रिक्स बन के आएंगे हमारे पास, जितने नंबर ऑफ नोड्स एग्जिस्ट करते हैं प्लस वन हमारे पास मैट्रिक्स निकल के आती है। यानी कि देखो, एक तो डी जीरो हो गई, ऐसे ही अभी मैं बनाऊंगी डी वन बनाऊंगी, फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी डी टू, और एक हमारे पास निकल के आएगी डी थ्री। तो हम लोग पहले बात करते हैं डी वन की। तो डी वन का मतलब ये है कि नोड वन को आप एज एन इंटरमीडिएट नोड यूज कर सकते हो। मतलब देखो, सबसे पहले हमारे पास हमें क्या डिस्टेंस लिखना है, वन टू वन के लिए कितना है डिस्टेंस, टू। वन से टू पे जाने के लिए एट है, और वन से थ्री पे जाने के लिए सेम फाइव है। टू से वन की बात कर रहे हैं, टू से वन पे जाने के लिए थ्री है हमारे पास, टू से टू पर जीरो है, एंड
टू से थ्री पर जाने के लिए हमारे पास क्या वेट है, टू से थ्री पर जाने के लिए कोई भी हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ या फिर कोई भी एज नहीं थी, तो इसलिए हमने यहाँ पर कितना लिखा था, इन्फिनिटी लिखा था। बट क्योंकि ये डी वन है, मैंने क्या कहा, इसका क्या मीनिंग है कि अब आप नोड वन को एज एन इंटरमीडिएट नोड यूज कर सकते हो। तो आप ये देखो, आपको टू से थ्री पर जाना है, नोड टू से नोड थ्री पर जाना है, तो क्या अगर मैं वन को एज एन इंटरमीडिएट नोड यूज करूं तो क्या मैं थ्री तक पहुंच सकता हूं? लेट्स चेक। तो अगर मैं टू से वन पे जाती हूं तो वन से मैं थ्री पर जा पा रही हूं, राइट? तो यानी कि मैं यहां पर वन को एज एन इंटरमीडिएट नोड यूज कर सकती हूं। तो इसका वेट कितना आएगा, देखो टू से वन पे जाने के लिए कितना वेट लगा, थ्री, और वन से थ्री पर जाने के लिए फाइव, तो फाइव प्लस थ्री इज एट, एट इज लेस देन इन्फिनिटी, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या वेट पुट कर देंगे, एट। और देखो थ्री से वन पे जाना है, थ्री से वन पे जाना है तो कोई भी डायरेक्ट पाथ नहीं है, और यहाँ पे वन को एज एन इंटरमीडिएट नोड भी यूज करने का कोई मतलब नहीं है, तो ये कितना रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। थ्री से टू पर जाना है तो ये ऑलरेडी है टू हमारे पास, थ्री से थ्री पर जाने के लिए जीरो ही रहेगा, ठीक है। डी टू की बात कर रहे हैं, डी टू का मतलब ये है कि अब हम नोड वन को और नोड टू को दोनों को ही एज एन इंटरमीडिएट नोड यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। अब आप चाहे एक बार में केवल वन का यूज करो, चाहे टू का यूज करो नोड टू का, या फिर चाहे दोनों का ही आप यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू गो फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। तो देखते हैं कि क्या चेंजेस आएंगे यहां पर। देखो वन से वन पे जाने के लिए टू है, वन से टू पर जाने के लिए वेट कितना आ रहा है हमारे पास, टू आ रहा है, सॉरी एट है ना। वन से थ्री पर जाने के लिए मेरे पास वेट कितना है, फाइव है। अच्छा अगर हम वन से थ्री पर टू के थ्रू होके जाएं तो देखते हैं कितना वेट आएगा, एट, और टू से थ्री पर तो हम जा ही नहीं पा रहे हैं, तो हमारे पास जो ओरिजिनल वेट था वही सही है, फाइव। टू से वन पर जा रहे हैं, थ्री, टू 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 जीरो, टू टू थ्री इज एट, थ्री टू वन इज, हाँ अब देखो हमें थ्री टू वन जाना है, थ्री टू वन हमें फाइंड आउट करना है, तो इन्फिनिटी लिखा था हमने, बट मैंने कहा अब आपको यहाँ पर आप नोड वन और नोड टू दोनों को ही एज एन इंटरमीडिएट नोड यूज कर सकते हो। तो देखते हैं कि क्या नोड टू का यूज करके मैं वन तक जा सकती हूँ। तो देखो थ्री से टू के लिए पाथ एग्जिस्ट करता है, टू से वन के लिए करता है, यानी कि थ्री टू वन में पहुंच सकती हूँ बाय यूजिंग टू एज एन इंटरमीडिएट नोड। तो क्या कॉस्ट रहेगी, थ्री टू, टू जाने के लिए कॉस्ट इज टू, एंड देन टू नोड टू से नोड वन पर जाने के लिए कॉस्ट कितनी है, थ्री, थ्री प्लस टू इज फाइव, तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, फाइव लिखेंगे, क्योंकि फाइव इज लेस देन इन्फिनिटी। थ्री से टू पर जाने के लिए टू थी हमारे पास, और थ्री से थ्री पर जाने के लिए जीरो, ठीक है। ऐसे ही अब हम फाइंड आउट करेंगे डी थ्री, तो अब वीडियो को पॉज करो और फाइंड आउट करो डी थ्री। डी थ्री का मतलब क्या होगा, आप किसी भी नोट से किसी दूसरे नोट पर पहुंचने के लिए तीनों नोट्स को एज एन इंटरमीडिएट नोट यूज कर सकते हो। सो अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं डी थ्री। डी थ्री का क्या मीनिंग है कि नोड वन, नोड थ्री एंड नोड थ्री तीनों को ही आप एज एन इंटरमीडिएट नोड यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गो फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले बात आती है वन टू, वन हमें जाना है तो इसको तो टू ही लिखेंगे, वन टू। अब हमें जाना है नोड टू, तो नोड टू पे जाने के लिए कौन से पाथ हैं, देखो एक तो ही डायरेक्ट है एट, इसके अलावा देखो और कौन सा पाथ है, अगर हम जाएं वन टू थ्री एंड देन थ्री टू टू तो कितना आएगा, फाइव प्लस टू सेवन, दैट इज लेस देन एट, तो यानी कि हमारे पास डी वन से टू तक पहुंचने के लिए कितना वेट आ गया, सेवन आ गया। वन से थ्री तक पहुंचना है तो एक तो पाथ हो गया एट, इलेवन बहुत ज़्यादा हो गया ये तो, और डायरेक्ट पाथ फाइव है तो हम यही लिखेंगे। यानी कि देखो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि किसी भी नोड वन से, किसी भी एक नोड से दूसरे नोड पर पहुँचने के लिए आप ऑल एग्जिस्टिंग पाथ चेक करेंगे, और जिसका भी वेट मिनिमम आएगा उसको आप इस मैट्रिक्स में लिखेंगे। ऑल एग्जिस्टिंग पाथ का क्या मीनिंग है, जैसे कि जब हम डी वन निकाल रहे हैं तो नोड वन का यूज़ करके अगर कोई पाथ एग्जिस्ट करता है तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे मिनिमम वेट वाला पाथ। डी टू की बात कर रहे हैं तो वन और टू को आप एज एन इंटरमीडिएट नोड यूज़ कीजिए, उसके बाद चेक कीजिए कौन कौन से पाथ एग्जिस्ट करते हैं, एंड देन आप जिसका भी वेट मिनिमम आता है उसको आप डी टू में लिखिए। ऐसे ही हम बात करते हैं डी थ्री की। अब देखो टू से वन पर जाना है, टू से वन पे जाने के लिए थ्री आ रहा है, इसके अलावा और कोई पाथ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, टू से टू के लिए जीरो हो गया, टू से थ्री के लिए फाइव प्लस थ्री एट सेम रहेगा, थ्री से वन पे जाना है मुझे तो टू प्लस थ्री फाइव आ गया ये, थ्री से टू पर जाने के लिए टू, एंड थ्री से थ्री पर जाने के लिए ज़ीरो। तो ये हमारे पास आया है फाइनल जो मैट्रिक्स है वो आई है, और ये हमें बताती है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ,
जितने भी नोड्स हैं 1, 2, 3 उनके बीच में जितने भी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं उनके लिए हमारे पास ये शॉर्टेस्ट पाथ आ गए हैं। कैसे, देखो 1 से 1 के लिए हम बात करें तो जो मिनिमम डिस्टेंस वाला पाथ है वो यही है 2। 1 से 2 पर जाने के लिए, 1 से 2 पर जाने के लिए मिनिमम पाथ कौन सा आया है 7। और 7 कैसे आया है, पहले आप 3 पर जाएंगे एंड देन 2 पर जाएंगे। 1 से 3 पर जाने के लिए हमारे पास क्या आया है, डायरेक्टली 5 डिस्टेंस आई है। 2 से 1 पे जाने के लिए 3 डिस्टेंस लेगा, 3 किलोमीटर्स या फिर आप कह सकते हैं 3 आवर्स लगेंगे या 3 मिनट्स लगेंगे, डिपेंड करेगा कि आपके पास जो क्वेश्चन आया है उसमें क्या जो वेट है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। 2 से 2 पे जाने के लिए 0 है, 2 से 3 पर जाने के लिए जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट पाथ है उसका जो वेट है वो कितना है 8 है। 3 से 1 पे जाने के लिए 5, 3 से 2 पे जाने के लिए 2 एंड 3 से 3 पे जाने के लिए 0। तो ये हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स आई है फॉर ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ यूजिंग फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिथम। आई गेस आपको ये क्लियर हुआ होगा, बट हम इसका एक और एग्जाम्पल लेंगे और आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एंड इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक चीज़ और स्किप की है, पाई, एक पाई मैट्रिक्स और हम लोग यहाँ पर मेंटेन करके चलते हैं फॉर द पेरेंट नोड। क्यों, देखो अब जैसे 1 से 2 पर जाने के लिए कौन सा पाथ है 1 से 3 एंड देन 3 to 2, तो ये हमें पता नहीं चल रहा है, तो हम एक ऐसी मैट्रिक्स मेंटेन करके चलेंगे जिसके थ्रू हमें ये चीज़ भी पता चलेगी। तो देखते हैं जो नेक्स्ट मैं टॉपिक लेने वाली हूँ, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल लूँगी उसमें हम ये दोनों चीज़ें बनाएंगे। सो देखिए ये हमारे पास गिवन है एक ग्राफ और हमें अप्लाई करना है इस पर फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिथम। तो देखो कितनी मैट्रिक्स आएंगी, एक तो D0 आएगी, किस किस के बीच में, नोड 1, 2, 3, 4 के बीच में। ऐसे ही हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या D1, D2, D3 एंड फाइनल हम फाइंड आउट करेंगे D4। जितने भी नोड्स हैं उन सभी के बीच में ये डिस्टेंस वाली मैट्रिक्स को फाइंड आउट किया जाता है। देखो D0 की बात करें तो D0 में आपको कोई भी नोड को एज एन इंटरमीडिएट नोड यूज़ नहीं करना है, जो भी डायरेक्ट एजेस हैं उनका वेट आपको यहाँ पर लिखना है। तो 1 से 1 पे जाने के लिए 0 हो गया, 1 से 2 पे जाने के लिए 3, 1 से 3 पर जाने के लिए 7, 1 से 4 पे जाने के लिए कोई भी पाथ नहीं है तो इसलिए इन्फिनिटी, 2 से 1 पे जाने के लिए नहीं है इन्फिनिटी, 2 से 2 पर 0, 2, 2, 3 इज़ 5, 2, 2, 4 इज़ 2, 3, 2, 1 इज़ इन्फिनिटी, 3, 2, 2 इज़ इन्फिनिटी, 3, 2, 3 इज़ 0, 3, 2, 4 इज़ इन्फिनिटी, 4, 2, 1 इज़ 4, 4, 2, 2 इज़ इन्फिनिटी, 4, 2, 3 इज़ 1 एंड 4, 2, 4 इज़ 0। तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आई है जिसमें कि हमने कोई भी इंटरमीडिएट नोड का यूज़ नहीं किया है, या फिर आप कह सकते हैं डायरेक्ट एजेस का जो वेट है वो हमने यहाँ पर लिखा है। अब हम बात करते हैं D1 की। D1 मीन्स क्या है कि आप नोड 1 को एज एन इंटरमीडिएट नोड यूज़ कर सकते हो अगर आपको किसी एक नोड से दूसरे नोड पर जाना है तो, ठीक है। तो देखो भाई 1 से बाकी सब पे जाने के लिए, चलो 1 से 1 पे चलते हैं 0 रहेगा, 1 से 2 पर जाने के लिए 3, 1 से 3 पर जाने के लिए 7 एंड 1 से 4 पर जाने के लिए इन्फिनिटी। तो आपने देखा कि जब हम 1 को एज एन इंटरमीडिएट नोड यूज़ कर रहे हैं तो इस वाली लाइन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अब हमें जाना है 2 से नोड 1 पे, 2 से 1 पर जाने के लिए कोई भी नहीं है तो इन्फिनिटी, 2 से 2 0, 2 से 3 पर जाना है तो 5 है एक तो। अब ये देखो आप कि क्या नोड 1 का यूज़ करके 3 पर पहुँचा जा सकता है, तो 2 से 1 पे जाने के लिए कोई एज ही नहीं है, तो यानी कि ये जो वेट रहेंगे आपके एज इट इज़ रहेंगे 5 और 2 रहेगा। 3 से 1 पे देखो, अब 3 से 1 पे जाने के लिए हमारे पास कोई पाथ ही नहीं है, यानी कि आप उसको एज एन इंटरमीडिएट नोड यूज़ कर ही नहीं सकते हो, राइट। तो हमारे पास जो ऊपर वाली जो मैट्रिक्स है ना उस पर से हम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे जो भी वैल्यूज़ है। अब 4, 2, 1 के लिए पाथ है तो यानी कि यहाँ पर चेंजेस आ सकते हैं, तो देखते हैं 4 से 1 पे जाने के लिए मिनिमम पाथ 4 आ रहा है अभी, 4 से 2 पर जाने के लिए कोई भी पाथ नहीं था, देखो इन्फिनिटी था, तो अब हम देखते हैं कि क्या 1 का यूज़ करके हम 2 पे पहुँच सकते हैं, हाँ पहुँच सकते हैं 4 to 1 एंड देन 1 to 2, तो इसका वेट देखो कितना है 4 plus 3 7, 7 इज़ लेस देन इन्फिनिटी तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 4 to 3 जाना है तो 1 आ रहा है वेट, अब 1 का यूज़ करके देखो आपकी क्या 4 से 1 का यूज़ करके 3 तक पहुँचने में कोई मिनिमम वेट बैठता है, तो 4 और 7 इज़ 11, 11 इज़ ग्रेटर देन 1 तो हम यहाँ पर रिलैक्स नहीं लगाएंगे तो ये 1 रहेगा, 4 to 4 इज़ 0। कि तो समझ में आया हमने D1 में क्या किया, 1 को एज एन इंटरमीडिएट नोड यूज़ किया है। D2 चलते हैं, D2 में क्या होगा, नोड 1 एंड नोड 2 इन दोनों को ही आप एज एन इंटरमीडिएट नोड यूज़ कर सकते हो एक बार में, चाहे 1 का यूज़ करो चाहे 2 का यूज़ करो या फिर दोनों का यूज़ करो, आप पे डिपेंड करता है।
तो पहले देखिए, वन से वन पे जाने के लिए ज़ीरो हो गया, वन से टू पर जाना है थ्री, वन से थ्री पर जाना है अब मुझे, देखो सेवन वेट आ रहा है। अब क्योंकि मैं टू को भी एज एन इंटरमीडिएट नोड यूज़ कर सकती हूँ, तो देखते हैं कि क्या टू से यूज़ करके थ्री पर पहुँचा जा सकता है। हाँ पहुँचा जा सकता है, बट इसका वेट कितना है, थ्री प्लस फाइव एट, दैट इज़ ग्रेटर देन सेवन, तो हम इसको सेवन ही रहने देंगे। वन से फोर पर जाना है, तो डायरेक्ट पाथ तो है नहीं, तो हम देखते हैं कि क्या टू जो हम एज एन यहाँ पर इंटरमीडिएट नोड यूज़ करें, क्या उसका यूज़ करके हम फोर पे पहुँच सकते हैं। पहुँच सकते हैं यूजिंग दिस पाथ वन टू टू एंड टू टू फोर, और इसका वेट कितना है, थ्री प्लस टू फाइव, दैट इज़ लेस देन इन्फिनिटी, तो हम यहाँ पर वेट कितना आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। अब टू की बात करते हैं, टू से वन पे जाना है, टू से वन पे जाने के लिए कोई भी पाथ नहीं है, तो ये इन्फिनिटी रहेगा। टू से टू ज़ीरो रहेगा, टू से थ्री पर जाना है, तो वेट कितना आ रहा है, फाइव आ रहा है। और देखो अब वन का आप एज एन इंटरमीडिएट नोड यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि टू से वन के लिए कोई पाथ ही नहीं है, तो ये एज इट इज़ रहेगा आपके पास, फाइव हो जाएगा। और टू से फोर कितना रहेगा, टू रहेगा। थ्री की बात करते हैं, थ्री से हमें जाना है वन पर, कोई भी डायरेक्ट पाथ नहीं है, क्या हम टू का यूज़ करके जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्योंकि थ्री से टू के लिए भी कोई पाथ नहीं है, तो इसलिए ये हमारा एज इट इज़ रहेगी वाली एज, ये वाली जो वेट है। अब चलते हैं यहाँ पर फोर से, फोर से वन पर जाना है, फोर से वन पर जाने के लिए फोर पाथ है। इसके अलावा देखो आप टू का यूज़ कर सकते करके क्या वन पे पहुंच सकते हो, नहीं पहुंच सकते हम, तो ये हमारा एज इट इज़ रहेगा। फोर से टू पर जाने के लिए क्या पाथ आया था, फोर प्लस थ्री सेवन आया था, तो ये भी एज इट इज़ रहेगा। फोर से थ्री पर वन एंड फोर से फोर पर ज़ीरो। अब बात आती है डी थ्री की। डी थ्री का मीनिंग है कि आप नोड वन टू एंड थ्री तीनों को एज एन इंटरमीडिएट नोड यूज़ कर सकते हो। तो वन से वन ज़ीरो, वन से टू एक तो थ्री है, क्या हम थ्री का यूज़ कर सकते करके थ्री को एज एन इंटरमीडिएट नोड लगा के क्या टू पे जा सकते हैं। तो देखो वन से कोई भी आउटगोइंग एच नहीं है, यानी कि आप थ्री से किसी भी दूसरे नोड पे नहीं पहुंच सकते, यानी कि थ्री को एज एन इंटरमीडिएट नोड यूज़ करने का कोई मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना। तो वन से टू पे पहुंचने का वेट कितना रहेगा, यहाँ पे थ्री ही रहेगा। वन से थ्री पे पहुंचने का सेवन, एंड वन से फोर पे पहुंचने का वेट कितना रहेगा, ऊपर कितना था, फाइव। टू से जाना है मुझे वन पे, तो टू से वन पे जाने के लिए कौन सा पाथ था यार, फोर प्लस टू, नहीं टू से मुझे जाना है वन पे, तो क्या मैं थ्री का एज एन इंटरमीडिएट नोड यूज़ करके जा सकती हूँ, नहीं, क्योंकि थ्री से वन के लिए कोई पाथ नहीं है, तो ये इन्फिनिटी रहेगा। थ्री टू से टू ज़ीरो, टू से थ्री देखते हैं फाइव ही रहेगा, टू से फोर टू रहेगा। ऐसे ही अब आप बाकी सारी एंट्रीज़ को पूरा कीजिए। चलिए D4 की बात करते हैं। D4 का मतलब है कि अब आप चारों नोड्स को एज एन इंटरमीडिएट नोड यूज़ कर सकते हैं। तो वन से वन पे जाने के लिए ज़ीरो, वन से टू पर देखते हैं थ्री वेट आ रहा है, बट क्या किसी और नोड का यूज़ करके क्या हम टू पे पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते, तो ये थ्री ही रहेगा। वन से थ्री पर देखते हैं तो सेवन आ रहा है, बट अगर मैं जाती हूँ थ्री प्लस टू प्लस वन, यानी कि टू फोर को एज एन इंटरमीडिएट नोड यूज़ करके जाती हूँ, तो इसका वेट आ रहा है सिक्स, दैट इज़ लेस देन सेवन, तो ये हो गया सिक्स। वन से फोर पे जाने के लिए मेरे पास वेट कितना है, थ्री प्लस टू फाइव है, तो ये फाइव ही रहेगा। टू से वन पे जाने के लिए, टू से वन पे जाया जा सकता है फोर का यूज़ करके, तो टू प्लस फोर इज सिक्स। टू से टू ज़ीरो, टू से थ्री देखो कितना है, फाइव है, वो फाइव ही रहेगा। टू से थ्री पर जाने के लिए फाइव है, बट हम अब फोर का यूज़ करके भी जा सकते हैं, टू प्लस वन दैट इज़ थ्री, तो ये थ्री हो जाएगा। टू से फोर पर जाना है तो ये टू है। अब देखो थ्री से वन पे जाना है, तो देखो थ्री का कोई भी आउटगोइंग एज नहीं है, तो इसलिए ये हमारा इन्फिनिटी रहेगा, इससे आप कहीं जा ही नहीं सकते, कोई शॉर्टेस्ट पाथ निकाल ही नहीं सकते। फोर की बात कर रहे हैं, फोर टू वन जाने के लिए फोर ही है मिनिमम, फोर टू टू के लिए सेवन, फोर टू थ्री के लिए वन, फोर टू फोर के लिए, तो ये हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स आई है फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ अमंग ऑल द पेयर्स ऑफ दिस ग्राफ। इसके अलावा देखो यहाँ पर हम एक और मैट्रिक्स मेंटेन करके चलते हैं, पाई। पाई बोले तो पाई मैट्रिक्स क्या मेंटेन करेगी, द प्रेडेसेसर। कैसे, देखो देखो वन से वन पर जाने के लिए कोई भी पाथ नहीं था, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। वन से टू पर जाने के लिए हमने किस नोड को एज अ पेरेंट नोड यूज़ किया था, वन, वन के थ्रू ही तो गए थे हम। वन से थ्री के लिए भी वन, वन से फोर के लिए कोई पाथ नहीं था, तो वो इन्फिनिटी था। अब देखो टू से वन पे जाने के लिए कोई पाथ नहीं था, तो इन्फिनिटी। टू से टू पर जाने के लिए
इन्फिनिटी, टू से थ्री पर जाने के लिए हमने नोड टू का ही यूज़ किया था तो टू, एंड यहाँ पर भी टू। थ्री टू वन जाने के लिए कोई पाथ नहीं है तो ये सब इन्फिनिटी रहेगा। अब फोर टू वन जाने के लिए पाथ था तो हमने फोर का एज एन मतलब नोड फोर के थ्रू ही हम गए थे वहाँ पे, इन्फिनिटी फोर एंड इन्फिनिटी। पाई वन की बात करते हैं, पाई वन में देखो क्या होगा। अब इस मैट्रिक्स में जहाँ भी चेंजेस आएंगे वहाँ पर जो चेंजेस आए होंगे वो क्यों आए होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे चेंजेस आए हैं पहले तो, ठीक है। अब देखो क्या क्या चेंजेस आए हैं डी ज़ीरो डी वन में, सब सेम है, ये भी सेम है, ये वाली वैल्यू का चेंज आया है तो यानी कि बस यहाँ पर चेंजेस आएंगे तो बाकी सब सेम रहेगा। तो देखो सेवन पे हम लोग फोर से टू पर कैसे पहुँचे थे यूजिंग वन ना, तो यहाँ पर वन आ जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे, आप इस तरीके से समझ लो कि यहाँ पर अब आप लिख रहे हो कि कौन से नोट को आपने एज एन इंटरमीडिएट नोट यूज़ किया है। टू की बात करते हैं, देखो क्या क्या चेंजेस आए हैं इन दोनों मैट्रिक्स में। एक तो इस वैल्यू का चेंज आया है बस, तो ये बाकी ऊपर वाली की तरह रहेगी सेम। बस ये वाली वैल्यू का चेंज आया था ना, तो ये फाइव, वन से फोर पे पहुंचने के लिए देखो हमने कौन सा इंटरमीडिएट नोड यूज़ किया था, वन से फोर पे पहुंचने के लिए हमने यूज़ किया था टू का, तो इसलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे पाई थ्री, तो देखो क्या क्या चेंजेस आए हैं इन दोनों मैट्रिक्स में, कहाँ कहाँ पर आए हैं, सब कुछ सेम है तो ये एज इट इज कॉपी हो जाएगी। समझ में आया कि पाई मैट्रिक्स हम क्यों मेंटेन कर रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि विच इंटरमीडिएट नोड यू हैव यूज्ड फॉर फाइंडिंग द पाथ। ऐसे ही पाई फोर निकालेंगे, देखो कौन सी शॉर्टेस्ट पाथ में डिफरेंसेस आए हैं। पाई थ्री और डी थ्री और डी फोर में चेंजेस देखो कहाँ कहाँ आए हैं, एक तो इसमें आया, एक ये आया है, एक ये आया है, बस। तो अब देखो यहाँ पर वन से थ्री पर पहुँचने के लिए हमने कौन सी इंटरमीडिएट नोड का यूज़ किया कि मेरे पास वेट सिक्स आया है, तो हमने यहाँ पर टू एंड फोर दोनों का एज एन इंटरमीडिएट नोड यूज़ किया है, बट हम जो लिखेंगे वो फाइनल वाला लिखेंगे कितना था, फोर। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई वन वन सॉरी फोर और ये टू, बाकी वैल्यू आप पाई थ्री की तरह लिखोगे। यहाँ पर अब सिक्स आया है टू से टू पर पहुँचने के लिए, टू से वन पर पहुँचने के लिए सिक्स, तो ये आया था यूजिंग फोर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फोर, बाकी वैल्यूज जो है सेम रहेगी। अब टू से थ्री पर पहुँचने के लिए हमने यूज़ किया है फोर का ही, तो यहाँ आ जाएगा फोर, बाकी और कोई चेंजेस नहीं आए हैं तो ये एज इट इज़ रहेगा। तो आई गेस गाइज आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ निकाल रहे हैं। और अब देखो डी फोर के थ्रू हमारे पास क्या आ जाएंगी, शॉर्टेस्ट पाथ, और पाई फोर के थ्रू हमारे एंड पाई फोर के थ्रू हमें क्या पता चलेगा कि किस नोट का आपने एज एन इंटरमीडिएट नोट यूज़ किया है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन दीज टू नोट्स। अब मैं इसकी जल्दी से एल्गोरिदम लिखती हूँ और आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। सो ये है एल्गोरिदम फॉर फ्लॉइड वॉर्शल एल्गोरिदम। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, एन में रो ज़ीरो, तो हमने कितनी रोज आई थी, जितने नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं उतनी रोज बनेंगी मैट्रिक्स में, तो एन में हमारे पास उतनी वैल्यू आ जाएगी। एंड डी ज़ीरो में हमने सबसे पहले क्या लिखा है, डायरेक्ट वेट जितने भी थे गिवन फॉर द ग्राफ वो हमने यहाँ पर पुट किए थे डी ज़ीरो में। और उसके बाद हमने ये लूप लगाया है के आई जे के लिए, जो के वाला लूप है वो चलेगा यहाँ पर, जैसे कि आप निकाल रहे थे डी ज़ीरो डी वन डी टू की बात कर रहे थे ना, तो ज़ीरो वन टू ये हो गए के हमारे लिए, ठीक है, इसके लिए चल रहा है के वाला लूप। और आई जे चलेगा हमारे पास, मान लीजिए कि आपको डिस्टेंस निकालना है नोड वन टू के बीच में, तो आई इज़ वन जे इज़ टू, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, देखो डी आई जे के में हमें क्या साइन करना है, मिनिमम ऑफ डी आई जे कॉमा डी आई के प्लस डी के जे, तो के तो हो गया हमारे पास इंटरमीडिएट नोड जिसको भी आप एज एन इंटरमीडिएट नोड यूज़ कर रहे हो, तो जिस अगर डी आई जे डायरेक्ट जो वेट है जो कि प्रीवियस वाली मैट्रिक्स में वो मिनिमम है, या फिर आप इंटरमीडिएट नोड का यूज़ करके आप वेट निकाल रहे हो, तो अगर ये मिनिमम, इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी उसको आप असाइन कर दोगे फाइनल वाली मैट्रिक्स में। मान लीजिए ये हमारे पास एक ग्राफ है, तो आप अगर निकाल रहे हैं फाइंड आउट करना चाहते हैं डी वन फोर की वैल्यू,
ठीक है। D14 का मतलब क्या है, जो आप मैट्रिक्स आप बना रहे हो ना, मान लो कि D2 आप बना रहे हो, कि 2 को एज ए 1 एंड 2 को एज एन इंटरमीडिएट नोड यूज़ कर रहे हैं अगर आप, तो मैंने लिखा है D14 का मतलब है दिस वैल्यू, दिस पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। अगर मैं लिखती हूँ D15 तो सॉरी D31 तो वो ये वाली वैल्यू की हम बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो यानी कि आई इज़ 1 और जे इज़ 4 और के क्या है हमारे पास 2, क्योंकि हम D2 की बात कर रहे हैं। तो इसमें मैं क्या वैल्यू असाइन करूँगी, देखिए मिनिमम ऑफ क्या DIJ K-1, K-1 का मतलब क्या हुआ कि D1 यानी कि जो इससे पहले आपने मैट्रिक्स निकाली होगी तो उसमें इस पर्टिकुलर प्लेस पर जो भी वैल्यू थी उसकी आप कंपैरिजन करेंगे इस वैल्यू से, ठीक है। अब ये वैल्यू का क्या मतलब है, देखो K क्या है 2, 2 को आप एज एन इंटरमीडिएट नोड यूज़ कर रहे हो ना, तो यानी कि D12 प्लस D24 और ये K-1 हो गया 1 1। अगर इन दोनों की वैल्यू प्लस करके जो वैल्यू आ रही है, यानी कि आप देखो 2 को एज एन इंटरमीडिएट नोड यूज़ कर रहे हो, बस कुछ नहीं है, बस लिखने का तरीका हो गया ये, ठीक है। ये वाली वैल्यू या फिर ये वाली वैल्यू, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगी वो हम यहाँ पर मैट्रिक्स में पुट करेंगे, वही चीज़ अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में बताई थी, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है ये भी, तो आई गेस आपको ये समझ में आया होगा। तो हमारी दोनों के दोनों एल्गोरिदम्स बिल्कुल फिनिश हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टॉपिक, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसे देखना बिल्कुल मत भूलना। ओके गाइस, आई होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल देने की इस टॉपिक का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। तो शॉर्टेस्ट पाथ से रिलेटेड हमारी जो दोनों एल्गोरिदम्स थी वो कवर हो चुकी हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, गुड लक।